तुला राशि वालों, 5 दिसंबर पूर्वा फागुनी नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव से दिन की शुरुआत और शुक्र आपके लिए लग्न का स्वामी होकर इस समय लग्न में उच्च का होकर गोचर कर रहा है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में सुख बढ़ने लगा है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में तरक्की आरंभ हो गई है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। शुक्र लग्न का स्वामी होकर लग्न में गोचर कर रहा है। स्थिति आपकी और भी अच्छी है क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का नवम पंचम योग बन रहा है। बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है और आज चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभ स्थान में गोचर कर रहा है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में शनि इस समय पंचम भाव में और आपकी कुंडली के धन स्थान में मंगल सूर्य की युक्ति है और पराक्रम भाव में बुध का गोचर है। तुला राशि वालों की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जो आपके जीवन में बहुत कुछ आपको देता हुआ जाएगा। 25 दिसंबर तक का समय आपके लिए बेहतर समय है। ऐसे समय में जीवन में आप बड़ी तरक्की, कामयाबी, खुशखबरी की प्राप्ति करते हैं। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है। आप मेहनत से काम करते जाएं, भाग्य आपका अच्छा है। आपके जीवन में बहुत खुशी, सुख और तरक्की देखने को मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए ये समय शुभ समय है जो आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, खुशखबरी लेकर आएगा। परिवार की खुशहाली और जीवन का सुख है आप प्राप्त करेंगे। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 5 दिसंबर मंगलवार का दिन, विषकम्भ योग और पूर्वा फागुनी नक्षत्र में शुक्र के संयोग से आज दिन की शुरुआत होगी। आज मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज का दिन शुभ दिन है, भाग्यशाली योग है क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा का बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग और शनि का शुक्र के साथ नवम पंचम योग पूर्वा फागुनी नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में बड़ा प्रभावशाली योग बन रहा है, जिससे आप लाभान्वित होंगे। जीवन के हर क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में, पढ़ाई लिखाई में, यानी जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति तरक्की देखने को मिलेगी। जो स्टूडेंट हैं उनके जीवन में अचानक से कोई बड़ी सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति भी इसी योग में होगा। 25 दिसंबर तक आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का होकर गोचर कर रहा है और आपकी कुंडली में शुभ संयोग बना हुआ है, जिसके कारण आपको कोई अच्छी नौकरी भी मिल सकती है और व्यापारी के लिए ज़्यादा धन का लाभ भी हो सकता है। क्योंकि शुक्र के प्रभाव से पूर्वा फागुनी नक्षत्र में जब दिन की शुरुआत होगी, उस समय आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का होकर आपके भाग्य को प्रभावित करेगा। बृहस्पति और मंगल की दृष्टि होगी। पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन धीरे धीरे आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। स्थिति आपकी अच्छी होगी। धन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वृद्धि, सुख की वृद्धि, भाग्य का साथ, जीवन में तरक्की, उन्नति, खुशखबरी, यानी आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। आज
आपके कदम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन बेहतर होता जाएगा, मेहनत से काम करेंगे, भाग्य भी आपका साथ देगा, आपकी जीवन में लाभ तरक्की सुख समृद्धि का सुंदर अवसर दिखाई दे रहा है, कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को प्राप्त होगा, मन में खुशी होगी और जीवन में सुख बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से आप प्रभावित हैं। शुक्र जो आपकी जीवन में आकर्षण लेकर आता है, शुक्र जो इच्छाओं की पूर्ति करता है, धन संपत्ति और आपकी जीवन में सुख आनंद को बढ़ाता है, समृद्धि सफलता भाग्य की बुलंदी से जीवन में सुख और सामर्थ्य बढ़ता है, शुभ स्थिति आपकी जीवन में उमंग उत्साह को बढ़ाता है और आपकी इच्छा शक्ति को जागृत करता है। अत्यंत शुभ योग में आज का दिन शुक्र के प्रभाव के कारण आपके लिए दिन आपकी लोकप्रियता को बढ़ाने वाला, हिम्मत लग्न से अपने काम को करते जाएं, हर प्रकार के काम आपके सफल होंगे और जीवन में तमाम तरह के सुखों का भोग करेंगे। हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, कार्य की बाधाओं से मुक्ति मिलती है, इसलिए आप किसी भी काम को करने से पहले हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। जो आपकी जीवन की उलझने हैं, जो आपकी जीवन की रुकावटें हैं, जिस बात से आप परेशान होते हैं, ध्यान भटकता है, आपके बनते हुए काम रुक जाते हैं, अब आपकी जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ग्रहों की दशा अच्छी है, नक्षत्रों की चाल खुशखबरी लेकर आया है, आज का दिन आपके लिए लाभ का दिन है, सुख संपत्ति अर्जित करने का दिन है और अपने भाग्य से जीवन में सफलता और सुख पाने का दिन है, क्योंकि आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी सूर्य है, द्वितीय चरण का स्वामी बुध है, तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल है। शुक्र का जब प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तब आपके जीवन में लव लाइफ की शुरुआत होती है, यानी प्रेम आपके जीवन में बढ़ता है, आपके जीवन में संतुष्टि बढ़ती है, समय बड़ा शानदार है, अपने कर्म से अपने भाग्य से जीवन में लाभ अर्जित करेंगे। आज जीवन की महत्वाकांक्षा और आपकी इच्छा दोनों पूरी होगी, ये समय आपके जीवन को सुखी बनाता है, नई संभावना आपके जीवन में दिखाई देता है, परिस्थिति आपके जीवन की बदलती है। आज का दिन आपके लिए बेहतर अवसर लेकर आने वाला सुंदर दिन है, जो आपकी परेशानी को खत्म करेगा, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा, विजय प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर है, इसलिए जीवन के कष्ट और बाधाओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, किस्मत का द्वार भी खुलेगा, आप प्रभावशाली भी होंगे और आज ये तरक्की के रास्ते पर आगे चलते हुए नई नई खुशियां प्राप्त करेंगे, परिवार में भी खुशियां बढ़ेगी, मन की इच्छा पूरी होगी, जीवन सुख देगा, सौभाग्य लेकर आएगा, अनेक प्रकार के सुखों का भोग करते हुए जीवन में सुखता की प्राप्ति करेंगे, इच्छा शीघ्र आपकी पूरी होने वाली है, आपके कार्य की गति बढ़ने वाली है और जीवन सुखमय होने वाला है, आत्मविश्वास से काम करें। आज का दिन तरक्की भरा दिन है, सौभाग्यशाली दिन है, सुख धन कमाने वाला दिन है, क्योंकि बृहस्पति मंगल की दृष्टि है, शुक्र का प्रभाव है और आज शुक्र आपकी कुंडली में उच्च का होकर गोचर कर रहा है, उसके ऊपर से चंद्रमा मंगल का नवम पंचम योग, शुक्र शनि का नवम पंचम योग और शनि के धन भाव में राहु का गोचर करना और आपकी कुंडली में मंगल का इस समय बेहतर योग सूर्य के साथ युक्ति बनाना आपके लिए बेहतर लाभ और तरक्की का रास्ता खोल रहा है।
आज का दिन आपके लिए हर तरह से शुभ है, सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। आज का दिन आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। आज का दिन खुशियों को बढ़ाने वाला, उन्नति तरक्की अच्छे परिणाम से सकारात्मक प्रभाव डालने वाला विशेष दिन है, जिससे आपकी जीवन में सफलता, कामयाबी और खुशखबरी की प्राप्ति होगी। आज का दिन शुभ दिन है। जीवन की मुश्किलें आसान होगी, जीवन की परिस्थिति भी बदलेगा। आप चक्रवर्ती, तेजस्वी, भाग्यशाली, महत्वाकांक्षी और धनवान बनेंगे। बड़े परिवर्तन का योग है, सुख का योग है, सौभाग्य का योग है। तो आज आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जिसके प्रभाव से आप भाग्यशाली बन रहे हैं। आज राहु काल 2:48 से 4:06 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आज आपके लिए लक्की कलर पिंक होगा और लक्की नंबर 9 होगा। अमृत काल 8:25 और अभिजीत मुहूर्त 11:51, विजय मुहूर्त 1:56 आपके लिए शुभ होगा, जो आपके जीवन में बड़ी तरक्की लेकर आएगा। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।